हेलो भाई लोग, कैसे आप सब। मैं हूँ प्लेयर सेवन। और भाई लोग, आज की वीडियो ना उन लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है जो खासकर रैंक पुश करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर में पांच ऐसे हिडन प्लेसेस के बारे में जहाँ पे आप कैंप करते हो ना, तो सच में वहाँ पे आपको कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा, वहाँ पे कोई आपको नोटिस नहीं कर पाएगा और वहाँ पे बिंदास होकर आप अपने रैंक को पुश कर सकते हो और जल्दी से जल्दी हीरोइक जा सकते हो या फिर ग्रैंड मास्टर के लिए भी पुश कर सकते हो। और भाई लोग, इस वीडियो में ना सभी प्लेसेस काफ़ी ओपी है और जो लास्ट वाला प्लेस है ना वो तो कतई जहर है, इसलिए भाई लोग वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। भाई लोग, आज की वीडियो का सबसे पहला प्लेस है हमारे बर्मुडा रिमास्टर्ड मैप में एकेडमी और शिपयार्ड के बीच जो घर है ना वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जाने के लिए आपको यूज़ करना होगा लॉन्च पैड जो कटोलिस्टो के पास होता है, और इस लॉन्च पैड को जिस तरह से मैं सेट कर रहा हूँ ना, ठीक उसी तरह से आपको सेट करना है। वो जो सामने दूर एक पेड़ दिख रहा है ना लास्ट वाला, उसके थोड़ा ऊपर आपको सेट करके लॉन्च पैड का बटन दबाना है, तो आप इस सबसे ऊपर आ जाओगे इस घर के। तो भाई लोग, यहाँ पे आप मस्त से अपने रैंक को पुश कर सकते हो और यहाँ पे आपको कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा। और जब आप यहाँ पे पुश करते हो ना, तो आपको एकदम लेटे रहना है, आपको थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है अगर नीचे बंदा आएगा तो वो आपको नोटिस कर ले जब आप मूवमेंट करोगे तब। इसीलिए आपको एकदम स्टिल रहना है, आपको थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं करना है, और आप यहाँ से बहुत अच्छी तरह से अपने रैंक को पुश करके हीरोइक जा सकते हो। लेकिन भाई लोग, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है शिपयार्ड के पास जो देख सकते हो थोड़ा ऊँचा है वहाँ पे एरिया, वहाँ से हो सकता है बंदे आपको देख ले। लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे ग्लूवाल्स होगी ना, आपके पास अच्छी लूट होगी, तो आप उसको भी टैकल कर सकते हो। हालांकि वहाँ पे अभी अगर कोई आता है ना, तो वो आपको नोटिस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आपको एकदम कोई तकलीफ नहीं होगी और आप बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पे अपने रैंक को पुश कर पाओगे। भाई लोग, दूसरा प्लेस है एक लॉन्च पैड के पास, और आप इस ट्रिक को ना हर एक लॉन्च पैड पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कटोलिस्टा के ऊपर जो यहाँ पे लॉन्च पैड होता है ना, यहीं पे यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक वॉल का कवर मिल जाता है लॉन्च पैड के पीछे। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो आपको इसके ऊपर आ जाना है सिंपली, जिस तरह से मैं आया हूँ, और आपको एक ट्रिक का यूज़ करना है, और ये भी ट्रिक काफ़ी इजी है और आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो आपको इसके ऊपर आ जाना है और आपको ना गेम को मिनिमाइज़ कर देना है जब आप इसके ऊपर आ जाते हो। तो जब आप गेम को मिनिमाइज़ करोगे ना, उसके बाद आपको फिर से गेम को ओपन करना है, तो आप देख सकते हो लॉन्च पैड पे अगर आप रहोगे तो उसके नीचे आ जाओगे। तो भाई लोग, देख सकते हो मैं किस तरह से यहाँ पे अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ से भी आप आराम से कैम्प कर सकते हो। और यहाँ पे ना भाई लोग, आप बहुत अच्छे से यार यहाँ पे अपने रैंक को पुश कर पाओगे, और यहाँ पे आपको कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। तो ये जगह काफ़ी ओपी है। और भाई लोग, अगर आप किसी दूसरे लॉन्च पैड पे यूज़ करते हो ना, तो थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन यहाँ पे आप यूज़ करोगे ना, तो भाई लोग यहाँ पे आपको कोई भी नहीं खोज पाएगा, और आप बहुत आसानी से अपने एनिमी को सरप्राइज़ भी कर सकते हो। अगर कोई यहाँ पे आता है ना, तो आप उसे सरप्राइज़ करके मार भी सकते हो। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इसमें आते हो ना, तो आपको मूवमेंट नहीं करना है। अगर आप मूवमेंट करते हो तो हो सकता है कि आप यहाँ से निकल जाओगे। तो भाई लोग, ये प्लेस काफ़ी ओपी है, और इस प्लेस को ना ज़रूर से चेकआउट करना यार, काफ़ी अमेजिंग प्लेस है रैंक पुश के लिए। अगला प्लेस है हमारे बर्मुडा रिमास्टर्ड मैप में न्यूरोग डैम के पास, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक व्हीकल की, जो कि लैम्बोर्गिनी है। यही सबसे बेस्ट है और इसी का आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको आना है और पूरा फुल स्पीड में इसको ड्राइव करना है सलमान खान की तरह, और पानी में ले जाके इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी देर ये आ पाएगा, आ जाएगा, और जब आप इस पानी के अंदर आ जाते हो ना, तो आपको यहाँ पे बाहर निकल जाना है और फिर एंटर का बटन दबाना है, तो आप इस व्हीकल में बैठ जाओगे और यहाँ पे आप आराम से छुप के कैंप कर सकते हो। और ध्यान रहे, आपको ड्राइव का बटन नहीं दबाना है, आपको एंटर करना है। और जब आप इसमें बैठ जाओगे ना, तो आपको कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा यार, किसी का भी ध्यान यहाँ पे नहीं आएगा, और यहाँ पे आप मस्त से सर्वाइव कर सकते हो। और भाई लोग, जब जोन आएगा तब निकल जाना। तो ये जगह भी काफ़ी बेस्ट है अपने रैंक को पुश करने के लिए। भाई लोग, अगला प्लेस है हमारे परगेटरी मैप में सेंट्रल में। तो यहाँ पे आपको जाना है सेंट्रल के ऊपर, और जो सामने टायर है ना, उसका आपको यूज़ करना है, और जब आप उस पर जंप करोगे तो इसके ऊपर आ जाओगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यूज़ करना होगा ये ग्लू वॉल, जिस तरह से मैं सेट कर रहा हूँ ना ग्लू वॉल को, ठीक उसी तरह से आपको ग्लू वॉल को लगाना है, और आपको यहाँ पे इसके ऊपर आ जाना है, और यहाँ से रन और जंप दोनों का बटन एक साथ दबाना है, तो आप इस ग्लू वॉल के ऊपर आ जाओगे। और जब आप इस ग्लू वॉल के ऊपर आ जाते हो ना, तो यहाँ पे आपको आ जाना है, और जिस तरीके से मैं ग्लू वॉल लगा रहा हूँ ना, ठीक वहाँ पे उसी तरह से आपको ग्लू वॉल लगा देना है। जब आपका ग्लू वॉल लग जाता है ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बैक आ जाना है, और यहाँ से रन का बटन दबाना है, फिर जंप का बटन दबा देना है, और यहाँ पे आप ग्लू वॉल के ऊपर आ जाओगे, और फिर इस घर के ऊपर आ जाओगे। तो भाई लोग, यहाँ पे आप मस्त से अपने रैंक को पुश कर सकते हो। देख सकते हो कितना ओपी प्लेस है,
और यहाँ पे अगर कोई एनिमी आपको देख भी लेता है ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लैंडमाइंस होते हैं सेंट्रल में, तो यहाँ पे आप लैंडमाइन को लगा देना ताकि अगर कोई एनिमी आता है तो लैंडमाइन से ही मर जाए। लेकिन यहाँ पे कोई एनिमी आ तो नहीं सकता है, बहुत रेयर केस ही होगा जब आपके पास कोई एनिमी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप काफ़ी बिंदास तरीके से अपने रैंक को पुश कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। और भाई लोग ये सच में काफ़ी ओपी प्लेस है यार, इस प्लेस को ज़रूर से चेकआउट करना। परगेटरी मैप में अगर आपका मैप लगता है तो ये प्लेस काफ़ी ओपी है आपके लिए रैंक पुश के लिए। और भाई लोग अगर इधर से कोई एनिमी आता है तो यहाँ से आप ऊपर से मार भी सकते हो, और आपको तो पता ही है कि अगर आप ऊपर से मारते हो तो हेडशॉट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर कोई एनिमी आपको डैमेज दे रहा हो तो आप इसका कवर भी ले सकते हो और पीछे आ सकते हो, यहाँ से आप फाइट भी ले सकते हो और अपने रैंक को पुश भी कर सकते हो। भाई लोग आज की वीडियो का सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट प्लेस है हमारे बरमुडा मैप में क्लॉक टावर पे। तो यहाँ पे आपको आ जाना है क्लॉक टावर के ऊपर, और जब आप सबसे ऊपर आ जाते हो विंडो के पास तो यहाँ से आपको जंप करना है, और यहाँ पे धीरे धीरे आपको मूव करना है जॉयस्टिक को, और फिर यहाँ पे आके आपको ग्लूवा लगा देना है। तो आपके पास ग्लूवाल्स होनी चाहिए, और जब आपका ग्लूवा लग जाता है ना तो आपको यहाँ से जंप का बटन दबाना है और धीरे धीरे बैठ के अपने जॉयस्टिक को मूव करना है और इस ग्लूवाल के ऊपर आ जाना है। जब आप इस ग्लूवाल के ऊपर आ जाते हो ना तो यहाँ पे जो दे सकते हो, जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, ये यहीं पे आपको आ जाना है। जब आप इसे थोड़ा सा भी जॉयस्टिक को मूव करोगे ना तो इसके अंदर आ जाओगे। तो सच में भाई लोग ये काफ़ी ओपी प्लेस है, और जब आप इसके अंदर आ जाते हो ना तो आप ग्लूवाल को फोड़ देना ताकि एनिमी को शक ना हो, और यहाँ से आप सच में काफ़ी ओपी तरीके से अपने रैंक को पुश कर सकते हो। और अगर आप इसके अंदर आ जाते हो ना तो बाहर से कुछ नहीं दिखता है, बाहर से एनिमी आपको देख ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ से आप उसे क्लियरली देख सकते हो, और यहाँ से आप फायर भी कर सकते हो। लेकिन बाहर से अगर कोई बंदा आपको मारता है ना तो आपको कुछ नहीं होगा, आपको एक बुलेट भी नहीं लगेगी। तो आप यहाँ से मस्त से अपने रैंक को पुश कर सकते हो, और इस जगह को तो क्या ही बोले, यहाँ पे बहुत सारे बंदे उतरते भी हैं, तो यहाँ से आप किल भी कर सकते हो और यहाँ पे सर्वाइव भी कर सकते हो। और भाई लोग जब आप यहाँ पे कैम्प करते हो ना तो आपको कुछ नॉइज़ नहीं करना है, अगर आप शांत से बैठे रहोगे ना तो वही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हो सकता है एनिमी को अगर ये प्लेस पता होगा ना तो इसके अंदर आके आपको मार देगा। इसीलिए आपको एकदम शांत तरीके से यहाँ पे कैम्प करना है, और जब जोन आता है ना तो आपको निकल जाना है। तो भाई लोग ये क्लॉक टावर का प्लेस काफ़ी ओपी है, आपका कम से कम दो जोन तो इधर कट जाएगा यार, आप आराम से टॉप 20 में भी आ जाओगे। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर देना, और भाई लोग कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखना कि आपको कौन सा प्लेस सबसे अच्छा लगा और किस प्लेस को आप यूज़ करने वाले हो रैंक पुश के टाइम। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर देना। और भाई लोग थैंक यू फॉर 9K सब्सक्राइबर्स, आप जल्दी से हमारे 10K भी करवा दो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में।